और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, शिवसेना के शिंदे गुट की तरफ से उम्मीदवारों की एक नई लिस्ट जारी की गई है। शिंदे गुट ने कल्याण से सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को उम्मीदवार बनाया है। श्रीकांत शिंदे दो बार कल्याण के सांसद रह चुके हैं। वही ठाणे से नरेश मास्के को उम्मीदवार घोषित किया गया है। नरेश ठाणे महानगर पालिका के पूर्व मेयर भी हैं, तो शिंदे गुट की तरफ से ये नई लिस्ट जारी की गई है। मुझे प्राइड है इंडिया। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। राजधानी दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के तीन बड़े स्कूल हैं, यहां ईमेल से बम होने की कॉल, पुलिस ने स्कूलों की तलाशी ली है। माफ कीजिएगा, ईमेल के जरिए देर रात या अर्ली मॉर्निंग कह सकते हैं जब ये ईमेल आया है। तीनों स्कूलों में अलग अलग ये ईमेल आया है और अब उसके बाद से स्कूल को खाली करवा लिया गया। तीन बड़े स्कूल जिनमें द्वारका का डीपीएस स्कूल है, उसके अलावा चाणक्यपुरी जो बेहद पॉश इलाका है, बहुत सारी एम्बेसीज वहां पर, सभी एम्बेसीज वहां है और उस स्कूल को भी खाली करा लिया गया। उसके अलावा ईस्ट दिल्ली की अगर बात करें, यमुना पार का इलाका जहां मदर मेरी स्कूल है, इन तीनों स्कूलों को खाली करा लिया गया है। कुछ तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं, पेरेंट्स भी पहुंचे हैं, बसें आप देख रहे हैं स्कूलों की लगी हुई हैं और बच्चों को जल्द से जल्द उनके घर तक पहुंचाने की कोशिश है। और ऐसे में अब तलाशी जो है वो की जा रही है। डॉग स्क्वाड वहां पर है, बम निरोधक दस्ता वहां पर मौजूद है।